हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे अपने चैनल को ग्रोथ को लेके कि हमारा चैनल ग्रो क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इसका, और आप लोगों को पता भी होगा, और हो सकता है किसी यूट्यूबर भाई ने बताए भी हो। अगर नहीं बताए हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार अपने चैनल पर जाकर विज़िट कर लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी बढ़िया से। तो बात यह है दोस्तों कि अपनी वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो लोग नए नए आते हैं वो लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो व्यूअर आएंगे, देखेंगे, तो इससे वॉच टाइम बढ़ेगा और वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात ये होती है कि अगर आपका कंटेंट के टॉपिक क्या हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई भी कंटेंट के टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर SBI में योनो ऐप में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो अपना अकाउंट, तो वो वीडियो अगर सिर्फ रजिस्टर करना हो तो कितने मिनट की हो सकती है? 3.5 से 4 मिनट की वीडियो तो वो हो सकती है, अगर आप उसको बढ़िया से बनाते हो तो। लेकिन अब कितने यूट्यूबर भाई लोग होते हैं कि उसको खींच के 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट तक लंबा कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो व्यूअर आते हैं, जो सर्च करते हैं वीडियोज़ को, वो देखते हैं कि वीडियोज़ की लेंथ कितनी है। अगर वो पहले पहले देख जाते हैं कि एक वीडियो 4 मिनट की है, एक वीडियो 5 मिनट की है, एक वीडियो 10 मिनट, या एक वीडियो 15 मिनट की है, तो जो सबसे कम मिनट की होती है वीडियो, सबसे ज़्यादा व्यूअर उसी को क्लिक करते हैं। वो इसलिए कि वो सोचते हैं कि जल्दी से हमको पता चल जाएगा और जल्दी हम सीख लेंगे और फिर जल्दी से अपना जो काम है वो कर लेंगे। और एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए आपका वीडियो किसी ने शेयर कर दिया, वो लेंथ ज़्यादा लंबा है, या फिर उस पर कोई व्यूअर आ गया क्लिक करके, तो वो ये देखता है, देखते देखते जाता है कि अगर आप वीडियो के शुरू में ही कंटेंट को लेके नहीं, और जो टॉपिक है उसको लेके नहीं, किसी और के बारे में अगर आप बात करने लग जाते हैं कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करें, पहले शेयर करें, तो 1-2 मिनट अगर आप इसमें ले लेते हैं तो फिर व्यूअर क्या होता है कि वीडियोज़ को स्किप करके या फॉरवर्ड करके देखता है, तो उसको समझ में नहीं आता फिर, तो वो क्या करता है, वीडियो स्किप करके दूसरे वीडियोज़ पर चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, ये 95% यूट्यूब पे जो चैनल होते हैं ग्रो इसलिए नहीं होते हैं। जो पहले थे, मान लीजिए पहले चैनल कम हुआ करते थे और लोगों की मजबूरी थी, वो देख लिया करते थे किसी की भी वीडियोस, शुरू से अंत तक देखते थे, लेकिन अब एक टॉपिक पे लाखों वीडियोस हैं, और जो जिसका लेंथ कम होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो सर्च में ऊपर आता है, जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ किया होता है, उसी को ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप अपने लेंथ पे फोकस करिए कि कम से कम मिनट में, कम से कम समय में उस चीज़ को और अच्छे तरीके से बताया जाए। जो चीज़ जिस टॉपिक अगर कोई ऐसा है जिसका वीडियो लंबा बन सकता है, तो कोई बात नहीं, तो वो व्यूअर खुद समझ जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ इतने देर में पूरा होगी और इतना समय लग सकता है सीखने में, तो उसकी कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए MS Excel हो, MS Word हो, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं सीख सकता, लेकिन जो उसमें छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं वो एक एक दिन में और एक दो दो मिनट में सीखा जा सकता है। लेकिन आप ये कहो कि एक ही वीडियो पूरा लंबा घुसेड़ दो और उसको कोई व्यूअर आए पूरा देखे और पूरा वॉच टाइम आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और इससे ज़्यादा ये भी होता है कि व्यूअर स्किप करके वीडियो भी चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये 95% यही होता है, अब यूट्यूब पे मैं यही देखते चला आया हूँ, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा वो अपना ध्यान दीजिए और वीडियो का कंटेंट जो है थोड़ा छोटा कीजिए, और वीडियो का कंटेंट छोटा छोटा करते करते मेरा खुद ये वीडियो 4 मिनट का हो गया, तो स्किप मत कर देना। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।